हाल ही में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी। इस रिसर्च को एक विदेशी जर्नल में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर मीडिया में कई खबरें आई थी। इस खबर में कहा गया था कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। नई स्टडी में दावा किया गया था कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई है उनमें 30% को किसी न किसी तरह के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। वही महिलाओं में इस कारण पीरियड संबंधी बड़ी दिक्कतें भी देखी जा रही हैं। अब इस रिसर्च पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी IMCR भारतीय आयुर्वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। IMCR ने न्यूजीलैंड स्थित ड्रग सेफ्टी जर्नल के एडिटर और BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लिखे नोटिस में लिखा है कि जिस रिसर्च में यह दावा किया गया है कि एक साल तक के अध्ययन में वैक्सीन लेने वाले लोगों पर गंभीर साइड इफेक्ट देखे गए हैं, वह रिसर्च पूरी तरह भ्रामक और गलत तथ्यों पर आधारित है। इसका IMCR से कोई लेना देना नहीं है। IMCR ने ना तो इसके लिए कोई टेक्निकल मदद दी है या ना ही कोई वित्तीय सहायता दी है।